जोधपुर से खबर है जहां 1998 में से बहुचर्चित सलमान खान हिरन शिकार मामला। आपको बता दें, आरोपी सलमान खान की दोस्त सोमी अली द्वारा विश्नोई समाज से माफी मांगने के बाद नया मोड़ आ गया है। अखिल भारतीय विश्नोई महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र बुड़िया का बयान, उन्होंने कहा कि 27 साल पुराने मामले में विश्नोई समाज कर सकता है सलमान खान को माफ। समाज के प्रबुद्ध जन आपस में बैठकर ले सकते हैं निर्णय। अगर सलमान खान मुकाम में आकर अपनी गलती कबूल करते हुए माफी मांगते हैं तो विश्नोई समाज अपने 29 नियमों के तहत उन्हें माफी दे सकता है। विश्नोई समाज के 29 नियमों में 10वें नंबर के नियम में है प्रावधान, गलती करने पर क्षमा करने का प्रावधान उसमें है। अखिल भारतीय विश्नोई महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र बुड़िया ने इस पर आपत्ति जताई है। सलमान खान की दोस्त सोमी अली द्वारा माफी मांगने पर आपत्ति जताई गई है। उन्होंने कहा कि सोमी अली ने जब नहीं हिरण का शिकार नहीं किया तो वो क्यों मांग रही है माफी। सोमी अली ने जो माफी मांगी है वो माफी कोई मायने रखती, उसी प्रकार तो पहले राखी सावंत ने भी मांगी थी। इसमें जो आरोपी है सलमान खान, वो खुद समाज को प्रस्ताव दे कि मैं माफी मांगना चाहता हूँ, तो वो मिज मंदिर के सामने आके माफी मांगे और समाज उसको माफ कर सकता। उसका कारण हमारे 29 नियमों में एक नियम है क्षमा दया हृदय, और उसमें हमारे बड़े बड़े हमारे महंत साधु नेतागण विश्व समाज के प्रमुख पंच और यूथ सब मिलके विचार करके उसको माफ किया जा सकता है। पर वो मंदिर के सामने आके शपथ ले कि ऐसा गलत काम मैं वो कभी नहीं करूँगा और मैं हमेशा पर्यावरण और वन्य जीवों की रक्षा करूँगा, ऐसा होता है तो विचार किया जा सकता है, क्योंकि हमारा समाज विश्वी समाज पर्यावरण प्रेमी और वन्य जीवों का लिए अपना बलिदान दे देते हैं। हम शिकारी को कभी नहीं मारते हैं, हम शिकारी को पुलिस के हवाले करते हैं, हम खुद बलिदान देते हैं। प्रकरण के अंदर सोमी अली ने जो माफ़ी मांगी है वो माफ़ी। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हमारे संवाददाता जितेंद्र डूडी। जितेंद्र, राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र बुड़िया का बयान आया है कि सलमान खान को नियमों के तहत, समाज के जो नियम है उनके तहत माफ किया जा सकता है, लेकिन उस पर भी काफी सारी अटकलें हैं कि चर्चा की जाएगी, क्या कुछ अपडेट इस खबर पर? बिल्कुल, निश्चित रूप से विश्नोई समाज के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो, उनका कहना है कि अगर सलमान खान मुकाम में आकर, क्योंकि विश्नोई समाज का सबसे बड़ा जो मंदिर है मुकाम में है, और मुकाम में आकर अगर वो माफी मांगे तो निश्चित रूप से विश्नोई समाज माफ कर सकता है, क्योंकि विश्नोई समाज के 29 नियमों में 10वां जो नियम है माफी देने का वो कहीं ना कहीं जिक्र करते हुए नजर आए। उन्होंने कहा है कि अगर इस तरीके से सलमान स्वयं अगर माफी मांगे और वो भी मंदिर में आके माफी मांगे तो निश्चित रूप से माफ किया जा सकता है। जी ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए जितेंद्र।